शरद भाई सबसे पहले तो वेलकम टू इंडिया। अभी तक का से कैसा रहा थोड़ा बताएं, और एशिया कप आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक तो बहुत अच्छा रहा, जिस तरह का वेलकम किया गया एयरपोर्ट में और होटल के बाहर भी जितने लोग आते हैं, तो बहुत खुशी हो रही है जिस तरह का वेलकम मिला। क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ओबियसली हमारा एज ए टीम एशिया कप इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन यही क्रिकेट की ब्यूटी है कि आप हमेशा गलतियों से सीखते हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप सीख के वो चीज़ें दोबारा ना दोहराएं और अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करें। तो ऑब्वियसली जब हम एशिया कप हारे उसके बाद हमें रेस्ट मिला, और क्योंकि ये स्किल गेम नहीं है अब ज़्यादा, अब मेंटल गेम आ गई है क्योंकि वर्ल्ड कप सिचुएशन है, तो इसमें जब मेंटली रिलैक्स होते हो तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो। कंडीशन वाइज तो देखें सिमिलर है मोस्टली पाकिस्तान की तरह, जो लास्ट मैच था वो थोड़ा जिस तरह के हमारे रावलपिंडी में होता है फ्लैट पिच शॉर्ट बाउंड्री वैसा लगा, तो सिमिलर ही हैं। कोशिश करेंगे बाकी अब नेक्स्ट मैच में जब मिलती है कंडीशन, पिच डिफरेंट होगा तो देखते हैं कि वो सेम खेलता है तो आइडिया हो जाएगा कि ये इस ग्राउंड में वैसी सेम जिस तरह के हमने पहला मैच खेला वैसी पिचेस हैं या जो दूसरी पिचेस हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं या नहीं है, वो आइडिया हो जाएगा। ऐसे ही बोल दो। देखें बिल्कुल ओबियसली इतनी अच्छी रिसेंटली फॉर्म मेरी नहीं थी, लेकिन जो मुझे रेस्ट मिला मेंटली, क्योंकि आप जब ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे होते हो और जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं होता तो आप मेंटली डाउन होते हो। स्किल तो वो रहती है क्योंकि आप इस लेवल पे आते हो तो आपके पास स्किल होती हैं, तो मेंटल, ये मेंटल बैरियर जो था वो मुझे लगता है कि जो रेस्ट मिला उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, और होपफुली जो पास्ट था वो पास्ट हो गया, अब वो हिस्ट्री बन गया, तो इंशाल्लाह जब वर्ल्ड कप आएगा तो एक नए माइंडसेट के साथ और कोशिश करेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस दें जो टीम को फ़ायदा हो, इंडिविजुअल को फ़ायदा ना हो। So when you wear the star, you always have an expectation for like 225 million. So we are representing them. So expectation will be there. Doesn't matter you playing in India or anywhere. But when you wear the star, this just green jersey, you have expectation from the our people, our fans, and especially India. We play all around the world. We haven't played in India yet. We play one warm up game, but other than that, we didn't play. So. The World Cup is, I think, is for the player is, if you perform there, you will be a superstar. So always is, as a player, you have an opportunity to perform in this World Cup or any World Cup. When you perform in the World Cup, you become a star. So everyone, all the players who came here, they just wanted to perform and become a superstar globally as well. As you bold. देखिए वो एक बड़ा प्लेयर है और जिस तरह फॉर्म की बात है, वो ऐसा प्लेयर है कि वो मुझे लगता है कि इम्पैक्टफुल प्लेयर है, वो कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है। दो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो ऐसे प्लेयर मुझे लगता है कंसिस्टेंट नहीं होते, लेकिन ऐसे प्लेयर इम्पैक्टफुल प्लेयर जब भी परफॉर्म करते हैं टीम जीतती है, और रिसेंटली इस साल भी उसकी 3 सेंचुरियाँ जो कि विनिंग कॉस्ट में हैं, तो ऐसे प्लेयर तो हर टीम चाहती है कि उनकी तरफ हो, और हमें कोई डाउट नहीं है उस पर, और हम उसको थोड़ा जो मेंटल
स्पेस देना चाह रहे थे और हम उसको जिस तरह के आपने देखा भी होगा कि वो हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और हमेशा उसने हमारे लिए परफॉर्म किया, तो हम तो हमेशा उसको बैक करेंगे क्योंकि हमारे पास इम्पैक्टफुल प्लेयर उतने ज़्यादा नहीं है जिस तरह का फ़ख्र है। तो हमेशा ऐसे प्लेयर्स को सपोर्ट किया जाता है चाहे वो परफॉर्म करे ना करे, क्योंकि जब भी वो बड़े मैच में परफॉर्म करेगा तो हमेशा टीम जीतती है। फॉर मी ओनली सी मे बी कंडीशन विल चेंज बिकॉज वी आर प्लेइंग ऑन डिफरेंट वेन्यूज सो वी डोंट नो अबाउट द अदर वेन्यूज हाउ दे प्ले सो we have to adopt the condition very quickly because all the players we haven't played here so we don't know about the exact condition how we get it, but I think the condition wise and the fitness wise as well because it's a long tournament, we saw in Asia Cup and recently series all the fast bowler or a main player getting injured, so the fitness will be big concern for all the teams and hopefully is not for us because we lose one big player so we don't want any other. देखिए वो तो अभी अहमदाबाद वाला तो थोड़ा दूर है, अभी तो पहले भी वार्म अप मैचेस रहते हैं और दो मैचेस उससे पहले भी हैं। देखें बाबा, रिजवान, इमाम ये हमारे कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, ये हमेशा से करते आ रहे हैं तो माशाल्लाह वो उनकी फॉर्म अभी भी उसी तरह है। लेकिन मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में जो भी जो टीम जीतेगी वो वर्ल्ड कप, जो मुझे लगता है जिसकी बॉलिंग अच्छी होगी क्योंकि जैसी कंडीशन है यहाँ पर रन रोकना या आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी फ्लैट ट्रैक्स हैं और स्मॉल बाउंड्रीज हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो टीम अच्छी बॉलिंग करेगी वो टूर्नामेंट जीतेगी। और हमारा भी यही है कि हमारे पास जो बॉलर हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, उन्होंने परफॉर्म किया हुआ, तो मुझे लगता है कि एज ए टीम अगर एज ए बॉलिंग यूनिट हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम चैम्पियन बनेंगे। नहीं, बहुत 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 मज़ा आया जिस तरह के मेहमान नवाजी की गई है हमारे, और खाने तो बहुत ही अच्छे हैं और हमारे तो गोरे भी खानों पे लग गए हैं, हमें तो ये लग रहा है कि हमारा फैट लेवल और वेट ही बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत टेस्टी खाने हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, अभी तक बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत सुकून से बहुत मज़े के साथ काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। और होपफुली अहमदाबाद में जब हम इंडिया के खिलाफ भी खेल रहे हो तो ऐसी मेहमानबाजी होनी चाहिए। अच्छा इंडिया का बताएं मुझे लगता है एज ए बैट्समैन रोहित शर्मा मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा बैट्समैन जो कि सेट होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको आप बॉलिंग कराना क्योंकि वो बहुत डेंजरस हो जाता है। और बॉलर मैं लेग स्पिनर हूँ तो मैं कुलदीप का कहूँगा क्योंकि वो जिस तरह की अभी रिसेंट फॉर्म में भी है और मैं लेग स्पिनर हूँ तो, और इधर इस ऐसी कंडीशन में काफ़ी मुश्किल होता है स्पेशली स्पिनर के लिए क्योंकि फ्लैट ट्रैक्स होते हैं। और इधर जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि जो बॉलिंग यूनिट अच्छा करेगी वही वो चैम्पियन बनेगी, तो कुलदीप और रोहित शर्मा। थैंक यू, थैंक यू।